यू हैव टू स्पीक लाउडली और फॉर अ वाइल यू कैन रिमूव योर मास्क सो दैट योर वॉइस कैन ट्रेवल टू मी. ओके एंड इट इज बीइंग पेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल. बिल्कुल ठीक है. इनपुट सीजीएसटी इज बीइंग पेड एट द टाइम ऑफ परचेजेस एंड विल इट बी एन एक्सपेंस और एन एसेट फॉर अस. चलो जपेश है आपका नाम. यस. इज इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एन एक्सपेंस और एन एसेट फॉर अस? व्हाई? Undoubtedly, it is an asset for us, but why and how? Who knows the logic? Raise your hand. Good. हाँ बोलो. नहीं 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 मैंने जो बताया था वो बताओ. हाँ डिडक्ट होगा. ये क्या है डिडक्ट होगा? मतलब सेल के टाइम पे उसे एडजस्ट करेंगे. वही जो सामान जो मैं खरीद के लेके आई हूँ कल को वही सामान मैंने बेचना है. So input CGST I will be offsetting against my output CGST. Output CGST के against input CGST adjust होगा. Input SGST के against आपका क्या होगा? Output SGST. मतलब दोनों चीजें एक output. This is output CGST और इसके against आपने किसे set off करना है? Input CGST. Parallel चलेगा. उसी तरह से आपका output SGST होगा और उसके अगेंस्ट आपने क्या एडजस्ट करना है? इनपुट एसजीएसटी. राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड. व्हाई डू वी कॉल आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अ लायबिलिटी? व्हाई डू वी कॉल आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अ लायबिलिटी? व्हाई नॉट इट इज आवर इनकम? दो इट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री ऑफ सेल. इफ इनपुट सीजीएसटी इज बीइंग डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री ऑफ सेल देन वी क्रेडिट your output CGST and SGST in a journal entry of sale. So why not it is an income? Why we call it a liability, Deepak? बिल्कुल ठीक है. Because this is not to be retained by us. हमने अपने पास नहीं रखना. Because we are liable to pay to the government. Ultimately we collected it from customers and we are supposed to deposit it to the government. So that's why it is our liability. Book दे दें. Is there different slabs or are there different slabs for CGST or SGST? Different slabs are there. Can you tell me the percentages of that slabs? 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. Highest slab had 28%, right? 0% आम तौर पे essential commodities पे है. तो आज मैं पहले उस list के बारे में discuss करूंगी. कौन सी list में कौन से स्लैब में कौन से आर्टिकल्स आते हैं? दैट इज एट पेज नंबर 5.4. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्वेश्चन में भी यूज होना है एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यूज एज वेल. 0% सीजीएसटी. पहला वर्ड ही लिखा है इट इंक्लूड्स एसेंशियल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन. ये वो चीजें हैं जो हर बंदे के लिए जरूरी है. गरीब से लेके सुपर रिच क्लास, टाटा बिरला, रिलायंस वालों के लिए भी ये कंजम्पशन की आइटम है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल मास कंजम्पशन. And thereby we include food grains. अन्न के बिना कोई रह सकता है कितने दिन तक? 15-20 महीना, 4 महीने. अल्टीमेटली यू नीड फूड ग्रेन्स. एवरी वन नीड फूड ग्रेन्स. तो फूड ग्रेन्स के ऊपर 0% है. और लूज का मतलब पैक्ड नहीं होना चाहिए फूड ग्रेन. राइट? क्या होना चाहिए? लूज अगर है तो उसके ऊपर 0% सीजीएसटी है. सीरियल्स, दालें और अनब्रेंडेड. अगर आप टाटा की अन्नपूर्णा की पैकिंग लेते हैं दालों की तो फिर वो क्या है? ठीक है, वो ब्रांडेड हो गया. ये अनब्रांडेड की बात कर रहा है. हनी अनब्रांडेड. सफोला की हनी लेते हैं या मार्कफर्ड की हनी लेते हैं तो वो पैक्ड है. पतंजलि की हनी लेते हैं तो वो पैक्ड है. उसके ऊपर टैक्स लगेगा. लेकिन दिस इज व्हाट अनब्रांडेड, मतलब जो लोग ओरिजिनली नेचर से स्क्वीज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी, अगर आप उनसे खरीदते हैं और अपने लूज कंटेंट को अपने कंटेनर में डलवा के लेके आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अनब्रांडेड. ठीक है, सो उसके ऊपर 0% है. मिल्क के ऊपर 0% है. लेकिन यही मिल्क अगर कंडेंस्ड मिल्क होगा, मतलब मिल्क पाउडर हो जाएगा या पैक्ड हो जाएगा, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा. वो कौन से स्लैब में आएगा? दैट वी विल लर्न. मिल्क लूज, मतलब डेयरी से मिल्क लेके आए, इन दैट केस देयर विल बी 0% स्लैब. सॉल्ट, नमक, ये पैक्ड है या अनपैक्ड है इसका कुछ नहीं बताया. लस्सी एंड एग्स,
एक्स आर द पेरिशेबल आइटम्स, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, सो डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट बोलना चाहिए, है ना, सो इसके ऊपर भी 0% स्लैब है. 5% किस पे है? 5% भी मेरा मिनिमम स्लैब ही है, जीरो के बाद अगला मिनिमम यही आता है 5%, तो ये भी आमतौर पे कॉमन यूज की आइटम्स पे लगता है. दैट कैन बी शुगर, दैट कैन बी टी, कॉफी, वेजिटेबल ऑयल, पैक्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनब्रांडेड है तो मतलब लूज है वहां पे, तो उसके ऊपर 0% है. लेकिन वही फूड ग्रेन अगर पैक्ड आ गए लाइक आशीर्वाद का आटा, ठीक है, तो उस केस में उसके ऊपर 5% लगेगा क्योंकि पैक्ड है. देन फ्रूट्स एंड नट्स, सीरियल्स, ब्रांडेड, ऊपर अनब्रांडेड 0 है और अगर ब्रांडेड है तो उसके ऊपर 5% है. कोल, फार्मास्यूटिकल आइटम्स मींस मेडिसिन वगैरह, फार्मास्यूटिकल में वो आती है. प्रिंट मीडिया एटसेट्रा, प्रिंट मीडिया में क्या आना, यस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ठीक है, मैगजीन्स जर्नल्स होते हैं ना, बिजनेस मैगजीन्स रहती है, इंडिया टूडे, बिजनेस टूडे, इंडिया टूडे इज अ न्यूज़पेपर, बिजनेस टूडे इज अ मैगजीन, तो इनके ऊपर 5% है, राइट. आगे चलते हैं, 12%, ये थोड़ा थोड़ा ये मान के चलते हैं कि अपर मिडिल क्लास इन आइटम्स को यूज करती है, ठीक है, इसलिए रेट इसके ऊपर परसेंटेज ऑफ जीएसटी बढ़ा दिया गया. दैट इज बटर, जैम, घी, जूसेस, बादाम, एलमंड, कंडेंस्ड मिल्क, मैंने बोला था ना, अगर लूज मिल्क लेते हैं तो 0% है, लेकिन अगर मिल्क पाउडर लेते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क मतलब डिब्बे में आता है ना, कंडेंस्ड मिल्क का सबको पता होगा, ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क के ऊपर 12% है. पिकल्स, अचार, मुरब्बा, बेवरेजेस, मोबाइल्स, मोबाइल्स भी हमारे 12% की कैटेगरी में आते हैं. अब ये 12% है, जब आप मोबाइल का बिल देखेंगे 6% होगा, 6% किसका होगा, सीजीएसटी, और 6% किसका होगा, एससीएस, ठीक है. सिमिलरली जो आपने 5% वाला पढ़ा है उसमें 2.5% होगा ईच, ये नहीं है कि 5+5 होगा, 2.5+2.5 ओवरऑल 5% ले, राइट. जो 18 में है 9% होगा, जो 28 में है वो 14% होगा, दोनों का शेयर 50-50% शेयर है, राइट. ओके, 18th पे आ जाइए, 18% आपका लगेगा हैवी मशीनरी के ऊपर, दैट मशीनरी विच वी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पस, ठीक है, अपने प्लांट्स में जो अपने मशीनरी लगाई है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, उनके ऊपर हैवी प्रोडक्ट्स है, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, हेयर ऑयल भी, इवन शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, ये चीजें नहीं लेनी चाहिए थी इस कैटेगरी में, है ना, इनके ऊपर इतना हाई रेट क्यों लगाया. बेसिकली देखो, सोप की ना वैसे ही कॉस्ट बहुत कम होती है, अगर ज्यादा भी लग गया परसेंटेज तो उसकी इतनी कोई कॉस्ट बढ़नी नहीं. दिस इज देयर क्राइटेरिया और व्हाट दे थॉट अबाउट, आई एम नॉट लाइक रियली नोइंग अबाउट इट, बट दे पुट इट इन दिस कैटेगरी, जबकि ये भी एसेंशियल आइटम्स भी होनी चाहिए थी, बट दे आर पुटिंग इट हियर. आइसक्रीम, प्रिंटर, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया एटसेट्रा. डिजिटल मीडिया क्या? ऑनलाइन जो ई न्यूज पेपर है, ठीक है, या ऑनलाइन न्यूज चैनल है, सर्विस टैक्स लगना ना, देयर सर्विस प्रोवाइडर. मेरा जीएसटी का फुल फॉर्म है क्या? देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो उनके ऊपर 18% है. देन 28% में क्या आएंगे, मैंने कल भी बोला था, अल्कोहलिक प्रोडक्ट आएंगे, तंबाकू आएगा. आर गवर्नमेंट वॉन्ट्स की लोगों को ये चीजें नहीं यूज करनी चाहिए बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, सो दैट्स वाई इनके ऊपर 28% है. तंबाकू और स्मार्ट टीवीज आपके, एसी, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स में फर्क है क्या? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स में फर्क है क्या? मेरे को लगता फर्क है. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे होम गैजेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, एटसेट्रा एटसेट्रा, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन. इलेक्ट्रिकल ये स्विचेस वगैरह है, मेरे को ये लगता है, या वायर है, जो केबल है, तारें बिजली की पड़ती हैं, मेरे को लगता है इलेक्ट्रिकल वो, ठीक है. आगे चलते हैं, पॉलिश, जो फर्नीचर को पॉलिश होती है, चाहे आयरन को पॉलिश होती है, वो पॉलिश भी 28% में है. देन एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है एनर्जी ड्रिंक्स. एनर्जी ड्रिंक्स आमतौर पे महंगे होते हैं, बुल एक आता है ना कि इनमें एनर्जी ड्रिंक, तो इट कॉस्ट हाई, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट. सो दिस वॉज अबाउट योर स्लैब्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, 0%, देन 5%, then we have 12% and ultimately 18% and 28%. Sumandeep Singh, आप क्या कर रहे हैं? क्या खोला हुआ आपने? बुक है, ठीक है जी. करेक्टरिस्टिक्स के बाद अगला टॉपिक देखिए, ऑब्जेक्टिव्स. मेरी मोदी गवर्नमेंट ने क्यों जीएसटी के बारे में सोचा? एक तो करप्शन रुके, एक सारा कुछ हमने डिजिटलाइज करना है,
ये टैक्स कलेक्ट किया और ये गवर्नमेंट को जमा करवाना है, अपने पास नहीं कुछ भी रखना उसके, उसका कोई भी पोर्शन, ना ही लोगों को चीट करना है, अपनी मर्जी से टैक्स की परसेंटेज बढ़ानी या कम नहीं करनी, जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करा है उसे ही फॉलो करना है, ठीक है। सो फॉर दीज पर्पसेस जीएसटी हैज बीन लेवेड, जीएसटी केम इनटू एक्जिस्टेंस, बट वी हैव मेनी पॉइंट्स शोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। लेट्स सी द फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस अक्रॉस ऑल स्टेट, 26 की 26 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 9 यूटीज में सेम रेट ऑफ टैक्स को क्या करना है, फॉलो करना है। कोई भी स्टेट अपनी मनमानी नहीं करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स की परसेंटेज बना दी, बता दी, वही हम लोग फॉलो करना चाहते हैं। यूनिफॉर्मिटी हियर मींस सिमिलैरिटी, देयर शुड नॉट बी देयर ओन डिस्क्रिशन, फोर्सफुली और यू कैन से इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी यूटी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू टैक्सेस मेड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 लाइन एक्सप्लेनेशन की है, आई एम रीडिंग, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की कोई लाइन उठा के एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। व्हाट ही रोट, द डिफरेंशियल टैक्स रेट्स अक्रॉस द स्टेट्स क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स, स्टेट्स में झगड़े रहते थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान गया, अब पहले भेजने वाली स्टेट ने टैक्स लगाया, फिर जहां पे पहुंचा उसने भी लगाया, ठीक है। लेकिन अब की बार मेरा डेस्टिनेशन टैक्स है, एक बार ही टैक्स लगना है, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगना है। तो कहता जब अलग अलग टैक्स रेट हुआ करते थे तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े और प्रॉब्लम्स रहती थी। One nation, one tax rate for the specific goods across all states or UTs has resolved many issues. ये सारे लड़ाई झगड़े और issues खत्म हो गए जब हमने फंडा कौन सा use करना शुरू किया, one nation, one tax rate. Yes, अगली line भी बहुत अच्छी लिखी है, it streamlined the sales of products in their respective states. आपका अपने state में सामान बेचना भी आसान हो गया, ठीक है। दूसरी state से अगर सामान आ रहा है, that also can be sold क्योंकि tax एक बार लग चुका है। ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी टैक्स का एक्स्ट्रा बर्डन किसी को फील नहीं होता। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहता बिजनेस करना आसान हो गया। जब जब कोई बंदा मैनिपुलेशन करता है ना, तो उसे कई बार बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक बिल में मैनिपुलेशन करी, फिर सीए को बताया, फिर रिटर्न करते हुए उसे बताया कि मैंने ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, उसे संभाल लेना। लेकिन वंस द सिस्टम इज organized, everything is clear to everyone and every tax rate is same for everyone, तो हमारे लिए business करना आसान हो जाता है। और एक software government ने बना दिया, portal government ने बना दिया, आपको हर quarter के बाद अपना tax deposit करवाना है, automatically you will be feeding the data therein and the tax will be deducted from your account and will be deposited to the government revenue or depository, right? सीधा ऑनलाइन सारी पेमेंट आपके अकाउंट में से निकल के गवर्नमेंट के रेवेन्यू वाले अकाउंट में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको बताएगा इसमें से सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। एवरीथिंग इज मेड इजियर एंड वी कॉल इट यूजर फ्रेंडली। कोई भी डिजिटल टूल रहता है ना, वो यूजर फ्रेंडली होता है, क्योंकि एक एवरेज मैन को माइंड में रख के बनाया जाता है। एंड सेम इज हैपनिंग विद आवर जीएसटी पोर्टल। देखो जी क्या लिखा, इन द प्री जीएसटी ईरा, जब जीएसटी नहीं था तब क्या हुआ करता था, द बिजनेस एंटरप्राइजेस हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ सेपरेटली फॉर वेरियस, तब ढेरों टैक्स हुआ करते थे और हर टैक्स के लिए आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता था। अब तो एक ही रजिस्ट्रेशन है। और व्हाट वाज द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नदरन एंड ईस्टर्न स्टेट्स में द टर्नओवर शुड बी 10 लाख और मोर देन दैट, एंड इन ऑल अदर स्टेट इट शुड बी 20 करोड़ के लाख है, ठीक है, then you have to register. लेकिन voluntarily basis पे भी, voluntary basis पे भी you can get yourself registered. और voluntary कब होगा, मान लो आपकी sale 10 लाख नहीं है या दूसरी state में 20 लाख नहीं है, but even then you want yourself to be registered, ठीक है। मतलब आगे वाली कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई बार आपको जरूरत नहीं भी होती, आप उस category में नहीं fall करते, even then you get yourself registered, so that is open for everyone, right? Even आपकी sale 5 लाख है या 7 लाख है annual, even then you can get yourself registered, there is no restriction for it, right? So he says, तब आपको different taxes के लिए अपने आपको register करवाना पड़ता था, they had to comply with requirements of different tax की different authorities रहती थी, उसके different laws रहते थे, आपको सारे rules and regulation follow करने होते थे। अब एक ही तो tax है और उसके law भी कितने easy हैं, user friendly हैं, trader friendly हैं, so it becomes easy for them, so that's why the business, इंडिया में बिजनेस करना अब आसान हो गया, इवन हमारी MNCs के लिए भी आसान है। They need not to get themselves registered for different types of taxes. They just have to pay GST. That's it, right? Avoiding duplication of tax. Duplication of tax, जैसे मैंने example दी थी, पहले मैदा खरीद के लेके आए, उस पर टैक्स लगता था, फिर उसका वर्क इन प्रोग्रेस किया, उस पर टैक्स लगा, फिर जब उसे बेचा तो सेल्स टैक्स भी लगा।
तो कितने सारे टैक्सेस लग रहे थे, लेकिन सामान तो एक ही बना ना। इन दैट केस वी जस्ट वॉन्ट टू अवॉइड दैट सिस्टम। मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ टैक्सेस अगर एक ही प्रोडक्ट पे ढेरों लग रहे हैं, यू कैन वेल इमेजिन सामान कितना महंगा हो जाता था। लेकिन अब कंपैरेटिवली, अब प्रैक्टिकली कई चीजों में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, जैसे पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूं तो डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो डिमांड को देखते हैं, इकोनॉमिक्स का फंडा है ना, जितनी ज्यादा डिमांड होगी रेट बढ़ेंगे। वो पता नहीं अपने कौन से फॉरेन रिजर्व देखते हैं या अपने पेट्रोल और डीजल के इंडिया में रिजर्व देखते हैं, अकॉर्डिंगली दे आर पुटिंग द प्राइस हाई फॉर दैट प्रोडक्ट। लेकिन बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स नहीं है, मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डबल टाइम पे टैक्स नहीं लगता। एवरी प्रोडक्ट इज बींग कवर्ड ओनली वंस अंडर द परव्यू ऑफ द टैक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल नो डुप्लीकेशन ऑफ टैक्स, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कलेक्टिंग वेरियस टैक्स। गवर्नमेंट की भी तो सिर खपाई खत्म हुई, कहीं पे सर्विस टैक्स का पोर्टल अलग से है, वैट का पोर्टल अलग से है, गिफ्ट टैक्स का अलग से है, वेल्थ टैक्स का अलग से है। अब सारे टैक्सेस एक ही में क्या हो गए, कस्टम ड्यूटी नहीं है, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, तो ये सारी चीजें एक ही टैक्स में क्या कर दी गई, मर्ज कर दी गई, राइट। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट का जो कलेक्शन वाला बर्डन था वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही टैक्स लेना है और उसमें भी 50% प्रोपोर्शन स्टेट का है, 50% सेंट्रल का है। सो दैट्स वाई दैट बर्डन हैज आल्सो बी रिड्यूस्ड। प्रोवाइडिंग अनबायस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, अनबायस का मतलब बिना किसी भेदभाव के, बायस का मतलब होता है जिसमें प्रेजुडिसेस होते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब अमीर है तो आप उसको टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हो, गरीब बेचारे के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हो, अब नहीं है ऐसा। नाउ द टैक्स रेट्स आर सेम फॉर एवरीवन, इफ ही और शी इज बिलोंगिंग टू द मीडियोकर क्लास और अपर हाई क्लास और हाई क्लास, दे हैव टू पे द सेम रेट ऑफ टैक्स, देयर इज नो बायसनेस इन दैट टैक्स कलेक्शन। लाइन पढ़ेंगे इसने कैसे जस्टिफाई किया। One of the objective of GST is to provide unbiased tax structure that is neutral to the business processes. Neutral मतलब सारे business के लिए same है. Business models, कोई भी business का आपका model हो, business model you know, some businesses are only trading businesses and another are manufacturing businesses. Trading का मतलब क्या, बना बनाया सामान खरीदते हैं आगे बेचते हैं, और manufacturing का मतलब खुद बनाते हैं, raw material खरीद के और machinery लगाई हुई है और फिर finish करके उसे बेचते हैं। तो किसी भी तरह का आपका बिजनेस मॉडल क्यों ना हो, इवन यू आर रनिंग सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस में किया, और यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, किसी भी तरह का बिजनेस मॉडल है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन ही बेचते हो आप सामान, एनी टाइप ऑफ मॉडल, यू आर सपोज टू पे द टैक्स। आप ऑनलाइन भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो जीएसटी वगैरह लग के आता है ना बिल में, ठीक है ना। तो एवरी टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल इज बीइंग कवर्ड हियर इन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनीज है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर कोलगेट है तो उसका सब्स्टिट्यूट पेप्सोडेंट है, अगर पेप्सोडेंट नहीं मिलती तो मेरे पास और भी बहुत सारी सेंसोडेंट हैं, और भी बहुत सारी हैं, क्या बोलते हैं, क्लोजअप है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट है तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा क्योंकि उसकी मोनोपोली है। नो, इधर द सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल और नॉट, we are not related with that, there is no biasness at all. हर product का हमने अलग से slab decide किया है, which product is being covered under that scope, उसके ऊपर वही tax rate लगेगा जो government ने determine किया है, जो government ने announce किया है. So there is no differentiation, there is no biasness, whatever the government has decided, every business house is supposed to follow that. Either your business is on small scale or on very very large scale, you are supposed to follow the slabs given by the central government, right? So this is what we call unbiased tax structure. Somebody is speaking. Better tax management. What is the meaning of management? Or management better कैसे होती है? जब बहुत सारे tax होते थे ना तो tax की चोरी भी बहुत होती थी। Government को tax से इतना revenue नहीं मिलता था। ठीक है, लोग कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ लेते थे, अपने सीए के साथ अट्टी सट्टी लगा के मैनिपुलेशन कर लेते थे और इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी उसे कम दिखाते थे और टैक्स कम पे करते। लेकिन अब सारा कुछ क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, कोई भी चाह के टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, बिकॉज वंस यू इट इज मेड कंपल्सरी फॉर यू टू सेल द प्रोडक्ट विद बिल, कोई भी बिल के बिना कोई सामान नहीं बेचेगा, और मेरे जैसा कॉन्शियस कंज्यूमर कभी बिल के बिना लेगा भी नहीं, क्योंकि बिल ही तो मेरे को गारंटी वारंटी देते हैं, बिल ही तो मेरी परचेज का प्रूफ है। ठीक है, 100-200 का भी मैं सामान लेती हूँ तो आई वॉन्ट बिल, बिकॉज मेरे को लगता है अगर मैं बिल नहीं लूंगी तो वो अपने बिल में कोई मैनिपुलेशन कर लेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा, तो बेटर टू टेक द बिल बिकॉज आई एम पेइंग एमआरपी भाई, तो मैं बिल क्यों नहीं लूंगी, यू आर गेटिंग मी।
तो बेटर टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के साथ आप कोई चलाकी नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू एज इट इज मिल रहा है, जितना टैक्स का रेवेन्यू बनता है, whosoever is supposed to pay tax, they are paying the tax. मतलब there is no stealing of tax, there is no avoiding of tax. This is what he wants to say by this point. Better tax management, tax evasion वाले word को underline कर लो। मतलब tax की चोरी नहीं है आप, हर बंदे को tax देना ही है, कोई भी चलाकी नहीं खेल सकता government के साथ, because everything is transparent, right? और सारे billing computerized है। Once the computerized bills you are issuing, definitely सब कुछ computer के में feed है और आपने GST के portal में जाके वो bill बनाया, तभी वो बिल आपका जीएसटी डिडक्ट करता है, जीएसटी को बीच में ऐड करता है, तो ऑटोमेटिकली आपके उतने पैसे निकल निकल के गवर्नमेंट की तरफ ड्यू हो जा रहे। यू आर रिसीविंग कैश, यू आर रिसीविंग द ऑनलाइन पेमेंट, बट उतना पोर्शन गवर्नमेंट में ड्यू होता जा रहा है। सो अल्टीमेटली आफ्टर अ क्वार्टर यू आर सपोज टू, खुद सॉफ्टवेयर ने टोटल बता देना कितना आपने इतने बिल दिए थे, इतना जीएसटी अभी तक कलेक्टेड है, यू जस्ट डिपॉजिटेड इट। सो द स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग डेवलप्ड, सो इन दैट केस वी कॉल इट अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ टैक्स। डिक्रीज, हां decrease in the cost of goods, how? Already explained. How decrease in the cost of goods? Because number of taxes have been reduced and no item is being covered under double taxation system. Ek good ke upar koi double taxation nahi lagta. Like pehle kya lagta tha, raw material maan lo foreign se aa raha hai, to main uske upar import duty bhi deti thi, main excise duty bhi deti thi. Import bhi sab maine samaan leke aayi main India mein dusri country se, aur excise duty jab maine production kari, तो देर वो सब, और ट्रिपल टैक्स कब होता था, जब मैं सामान को बेचती थी बना के सेल्स टैक्स, बट नाउवेडेज दिस ऑल टैक्सेस आर बीइंग मर्ज्ड अंडर अ सिंगल प्रीव्यू, सो इन दैट केस वी कॉल दैट कॉस्ट ऑफ द गुड्स विल डेफिनेटली गेट रिड्यूस। कितनी हुई है रिड्यूस, दैट गॉड नोस, बट इन थ्योरी दे सेज दिस वाज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग जीएसटी, वी वांटेड कि डबल और ट्रिपल टैक्स ना लगे एक ही गुड के ऊपर। इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि टैक्स का बर्डन ट्रेडर्स के ऊपर कम हो गया है, सारा सिस्टम स्मूदन हो गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या हो गई है, कम हो गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को एंगेज कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में टैक्सेस का बर्डन क्या हो गया है, कम हो गया है। वंस द मोर एंड मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस, मोर एंड मोर सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस ऑफ अ नेशन, द जीडीपी विल ऑलवेज मोदी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया, लाइक आवर गवर्नमेंट नाउअडेज इज इनवाइटिंग द फॉरेन कंपनीज टू कम टू इंडिया एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग एवरी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू देम, वी विल बी स्ट्रीमलाइनिंग एवरीथिंग फॉर देम, हम लोग उनके लिए सब कुछ आसान कर देंगे, कोई भी फॉर्मेलिटी और अननेसेसरली बर्डन नहीं। वो जमाना एक अलग था जब एमएनसी के ऊपर बैन रहता था, हम नहीं चाहते थे कि फॉरेन की कंपनी कोई आए, तो हमारे मन में डर रहता था, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने और they made us slave for so many years, so same will happen again, but now all that fear we have removed, we are inviting them, they come to India, they should manufacture in India, aur tax kya lagega, jaise unka made in China lagta hai to un products ke upar company bahar ki hai, bana India mein rahi hai to make in India lage, so like that way we will be getting name and fame in other nations, we will be getting the name and fame in the overall world. So he says we are inviting the foreign investment, या तो फॉरेन के रेजिडेंट्स को हम बोलते हैं हमारी इंडियन कंपनीज में आप पैसा लगाओ उनके शेयर खरीदो, या हम फॉरेन कंपनीज को ही कहते हैं यू कम टू इंडिया, देयर इज नो टैक्स बर्डन एट ऑल, ओनली सिंगल टैक्स सिस्टम इज देयर, वी विल बी प्रोवाइडिंग एवरी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू यू, इन दैट वे फॉरनर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल गेट बूस्ट, दिस इज द वे। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स,
why we launched this GST system, why we abolished all the taxes. 10 टैक्स अगर हटे हैं तो उसकी जगह एक आया, गवर्नमेंट को तो डर होना चाहिए था मेरा टैक्स रेवेन्यू कम होगा, बट गवर्नमेंट इज हैप्पी बिकॉज अर्लियर देयर वॉज मैनिपुलेशंस, अर्लियर देयर वॉज अवेजन ऑफ द टैक्स, नाउ नोबडी कैन अवेज इट, नोबडी कैन मैनिपुलेट द सिस्टम, वी तो स्ट्रीमलाइंड एवरीथिंग, सब कुछ हमने इजी बना दिया. लेट मी रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन द प्री जीएसटी ईरा देयर वर मल्टीपल, यस इंडिया में बिजनेस करना तब आसान नहीं होता था क्योंकि जो फॉरेन के लोग हमारे इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उनके ऊपर ढेरों टैक्स लगते थे, जिसके कारण लोग इंडिया में बिजनेस चलाना नहीं चाहते थे. बहुत गिनी चुनी कंपनी थी जो इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती थी. लेकिन अब क्या हो गया, ये सारे मल्टीपल टैक्सेस हट गए हैं, ठीक है, और उनकी जगह सिर्फ एक जीएसटी को ही हम लोगों ने लॉन्च किया है 2017 में. सो दे आर हैप्पी टू कम टू इंडिया, दे आर हैप्पी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर हैप्पी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया बिकॉज द सिस्टम हैज बीन स्मूदन्ड फॉर देम, द सिस्टम हैज बिकम इजी फॉर देम. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर जीएसटी. एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? सारा समझ आ गया?